दो तीन। क्या रहा इस बार? गाइज वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि 5:30 बजे सुबह आशीष का फ़ोन आया कि भाई आप द्वारका आ जाओ मेरे घर, एक भाई आ रहे हैं आपको उनसे मिलवाना है। मैंने पूछा कौन, तो उसने अभी तक मुझे डिस्क्लोज़ नहीं करी ये चीज़। तो उसने कहा आप आ जाओ, आपको आके ही बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आशीष के यहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा कि कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 6:30 बजे मैं घर से निकला था सुबह, अभी 7:10 हो रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूं। बाकी मैं आपको पहुंच के दिखाऊंगा कि क्या प्लान्स हैं, क्योंकि अभी उसने फ़िलहाल मुझे अपने घर का ही बताया है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखना, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। बाय बाय। रेडी, एक दो तीन। तो गाइस जिनकी मैं सुबह बात कर रहा था वो बेसिकली लक्की फैसला भाई हैं, एंड वही आशीष भाई के पास मिलने आए हुए थे। वही उनसे मिला, काफ़ी अच्छे बंदे हैं यार। बेसिकली दोनों अपनी, जो आशीष पेट्रोल होल्ड करता है 120-700 और वो डीजल होल्ड करते हैं 120-700 लग्जरी मॉडल, ये दोनों आपस में अपनी गाड़ी का कंपैरिजन कर रहे हैं एंड रेस ट्रैक रेस वगैरह कर रहे हैं। हम ट्रैक पे भी आ गए हैं, अब देखो सामने से आ रहे हैं रे, अभी आएंगे रुकेंगे फिर इनसे ढंग से बैठ के बात करते हैं। अब जब हाथ मैं नीचे करूंगा तब लियो, अभी तू पहले निकल जाता है, एक सेकंड पहले। गाड़ी सीधी कर आशीष, गाड़ी सीधी कर, गाड़ी टेढ़ी है, गाड़ी टेढ़ी है, उस तरफ कर थोड़ी, बैक कर ले थोड़ी, बैक कर, आगे हो रही है। क्या रहा इस बार? एंड में निकल गया था मैं, लेकिन पिकअप भैया का तेज था पहले। मैं लेट, अरे बराबर उठी थी गाड़ी। इस बार ठीक था भैया? इस बार ठीक था? मेरे हिसाब से तो दोनों गाड़ी साथ उठी है। साथ उठी है? वो कह रहा है कि तुमने पहले। नहीं नहीं, दोनों साथ उठी है मेरे हिसाब से तो गाड़ी। मैंने बोला अभी वीडियो में कि इस बार सही उठी है गाड़ी, आप पिकअप आपका पहले था। एंड में मैं आगे नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हो सकता है ये जो थोड़ा ट्रैक है ना, एक कर्व है, कर्वी है, उस वजह से फील होता है जो उधर बंदा चला रहा हो कि बाजू वाला बंदा आगे निकल रहा है, उससे भी हो सकता है। इस वाले में मेरी आगे। चलो एक बार अब रेडी, एक दो तीन, फाइनल राउंड। भैया यही होता है जब दो सेम सेगमेंट की गाड़ी वाले ऑनर मिलते हैं ना, तो यही तो नहीं वो ये वो आप भी बिना कह रहे हो, वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी लेट उठ रही है। लेकिन इस वाले राउंड में मैं सही बताऊँ, इस वाले में एक सेकंड ये लेट था, इससे प्रीवियस जो राउंड था उसमें दोनों बराबर उठी है। अब मुझे नहीं पता वहाँ जाके विनर कौन था, क्योंकि पूरा एक गाड़ी के गैप के बाद मैं आपको बिल्कुल बराबर आ जाता हूं। काम करना, तुमने मेरे से वीडियो लेना इससे पहले वाली और वो लगाना। चलो एक और राउंड लेते हैं मेरी संतुष्टि के लिए। अभी करने जा रहे हैं फाइनल राउंड, इससे पहले 3 राउंड कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। रेडी, मेरे ख्याल से भैया रेडी नहीं है।
इस बार दोनों का परफेक्ट लॉन्च था, बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने वीडियो देखे 3 बार रिपीट करके, मैं यही बोल रहा हूँ इस बार परफेक्ट लॉन्च था, कोई चीटिंग नहीं। आप बताओ विनर कौन रहा है? चलो छोड़ो, ये तो अपनी वीडियो आप डालोगे तो अपनी वीडियो में दिख जाएगा। सही बता, कोई बीच में कुछ मोड़ वोड़ की कोई घपलेबाजी तो नहीं करी? लेकिन मुझे पता क्या लगा, पेट्रोल है लेकिन एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंस आया जब उठाने में। अभी ये समझ ही नहीं आया क्यों हुआ। लेकिन इस बार पहले वाले में नहीं आया था। इस बार दोनों का लॉन्च अच्छा था, परफेक्ट लॉन्च था। ऐसा लगा इसने बहुत टाइम लिया डीजल ने उठने में। ड्राइवर एक्सचेंज करोगे? हाँ कर लो। अभी ये फर्क भी पता चल जाएगा ना, ड्राइवर का फर्क है या कार का। तो ये तो गाड़ियों से ज्यादा ओनर्स की रेस होगी। हाँ मैंने यही तो बोला, सेम सेगमेंट के ओनर वाले भाई ऐसे ही करते हैं दोनों। तो ड्राइवर्स इंटरचेंज हुए हैं अभी। एंड वीडियो का कोई कंक्लूजन तो निकला नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों भाई एक्सयूवी 700 के होल्डर थे और दोनों के दोनों अपना विनर बोले जा रहे थे। 8 से 9 राउंड कर चुके थे, मैं बहुत थक चुका था भाई की वीडियो शूट करके, तो इसलिए मैंने वीडियो को वहीं एंड कर दिया। मैं ऐसी वीडियोज और डालता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना मत भूलना। मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तब तक के लिए बाय बाय।